इसराइल एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिसने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए हैं। ये फैसले लेने से पहले इसराइल ना तो हिचक रहा है और ना ही उसे अंजाम की फिक्र है। फिलिस्तीन ने इसराइल के खिलाफ एक कदम उठाया, लेकिन इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। सबसे ताजा मामले में इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने पुलिस को सभी सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीनी झंडे हटाने का आदेश दे दिया है। इजरायली मंत्री इतमार बेन गिविर ने कहा है कि फिलिस्तीनी झंडा दिखाना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। इजरायल की पुलिस से कहा गया है कि वो देश के किसी भी हिस्से में फिलिस्तीनी झंडे को ना लगने दे। अगर कोई फिलिस्तीनी झंडा लगाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। आपको बता दें कि इजरायल के कई हिस्सों में अरब मूल के लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं। अरब मूल के ये लोग कई बार इजरायल में सार्वजनिक स्थानों पर फिलिस्तीन के झंडे लगा देते हैं, लेकिन अब इजरायली मंत्री बेन गिविर ने पुलिस से साफ कह दिया है कि फिलिस्तीनी झंडे किसी भी कीमत पर नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इनसे यहूदियों की भावनाएं आहत होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लंबे समय से सजा काट रहे एक फिलिस्तीनी कैदी की रिहाई के बाद उत्तरी इसराइल में उसके गांव को लाल, हरे और काले रंग के बैनरों से सजा दिया गया था, लेकिन इसराइल फिलिस्तीन के इस कदम से भड़क गया। इसराइल ने अपनी पुलिस को आदेश दिया कि कहीं भी फिलिस्तीनी झंडा या बैनर दिखे उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक दिया जाए। बहरहाल इजरायली मंत्री के आदेश के बाद एक बार फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आशंका उभरने लगी है। इस पूरे तनाव का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। ईरान की सरकार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की मदद से इजरायल पर हमला करा सकती है। आपको बता दें कि ईरान की फौज गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन को मदद देती आई है। बहरहाल आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को इजरायल के इतिहास में सबसे खतरनाक सरकारों में गिना जा रहा है। इसका एक उदाहरण यरूशलम की अलक्सा मस्जिद में देखने को मिला। आपको याद दिला दें कि इजरायली मंत्री इतमार बेन गिविर हाल ही में यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए थे। उनके मस्जिद पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश भड़क गए थे। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक कर दी थी। फिलिस्तीन ने तो यहां तक कह दिया कि इजरायल अल अक्सा मस्जिद को यहूदी मंदिर में बदलना चाहता है। बहरहाल आपको बता दें कि इजरायल ये सारे कदम अचानक इसलिए उठा रहा है क्योंकि नया साल शुरू होते ही कई देशों ने इजरायल की नई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। फिलिस्तीन और मुस्लिम देशों को बेंजामिन नेतन्याहू पसंद नहीं है, लेकिन जब नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई तो फिलिस्तीन के कहने पर कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव में यरूशलम से इसराइल के कंट्रोल को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट से दखलंदाजी की मांग की गई। आपको बता दें कि यरूशलम इसराइल के लिए सबसे पवित्र जगह है। इसराइल ने इस प्रस्ताव को अपने खिलाफ एक खतरा माना और एक के बाद एक फिलिस्तीन को अब धोना शुरू कर दिया।